जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देही मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमत्तस्ये 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मंदिरों में मनुष्य को कौन से कपड़े पहन करके जाना चाहिए? क्या ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम पुरानी परंपरा मान्यता रीति रिवाज में अगर जाकर के देखते हैं तो उस जमाने में रंग बिरंगे कपड़े पहन करके मंदिर जाया जाता था, जिसमें काला कलर नहीं होता था। परंतु आजकल हम देखते हैं आधुनिक छात्राएं कह लीजिए, आधुनिक स्त्रियां कह लीजिए, जो काले कपड़े पहन करके जाती है, काली चुन्नी ओढ़ करके जाती है। ऐसे भी काला कलर अपशकुन होता है। काला कलर घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मातम मनाने के लिए काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है। परंतु हम आजकल देखते हैं मंदिरों में जाते हैं तो अधिकतर महिलाएं हमें काले कपड़े पहने हुए नजर आती है, और विशेष तौर से युवा वर्ग की स्त्रियां जिनको यह धर्म का ज्ञान नहीं कि सनातन धर्म के अंदर काला कपड़ा सिर्फ मनहूसता की निशानी है, और वो मनहूस चीज लेकर के वो मंदिर के अंदर जाती है, नेगेटिविटी की निशानी है, और उस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के वो वहां तक पहुंचती है। जबकि मंदिर से पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए जाना चाहिए। तो हमें लाल पीले हरे गुलाबी पिंक खिले हुए कलर के, जिससे मनुष्य का शरीर मन प्रफुल्लित होता है, ऐसे कलर के कपड़े पहन करके जाना चाहिए। परंतु अब कौन समझाए इनको कि काले कपड़े से नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी प्रभावित होती है। फिर आधुनिक युवा वर्ग की इस लड़कियां सेंट भी लगाएगी, पाउडर भी लगाएगी, लिपस्टिक भी लगाएगी, बाल खुले करके काले कपड़े पहन करके चलती है तो नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर बहुत जल्दी प्रभावित होकर के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और फिर घर आकर के कहती है हमारे हाथ पैर टूट रहे हैं, बीमार पड़ जाती है, और वहीं से उन्हें प्रेत चुड़ैल जिन जिन्नाद लग जाता है, और वही उनके साथ में रात को सहवास संभोग करते हैं, और फिर माता पिता उस लड़की को लेकर के घूमते फिरते हैं। सोचो समझो विचारो, क्या हिंदू सनातन धर्म में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि काले कपड़े पहनना शुभता की निशानी है? क्यों नहीं समझते? माता क्यों नहीं समझती कि अपनी लड़की को काले कपड़े पहन करके क्यों मंदिर भेजती है? परंतु समझ में तब आएगी जब ठोकर लगती है, जब उस लड़की का विवाह नहीं होता है, क्योंकि वह जो प्रेतात्मा उसके ऊपर लग चुकी है वो उसका विवाह नहीं होने देती है, और वह प्रेतात्मा उस लड़की के साथ रोजाना मौज मस्ती भी करती है, भोजन ग्रहण भी करती है, और फिर कहते साहब प्रेत लग गया, लड़की सूखती जा रही है,
और घूमते फिरते हैं अब बाबा लोगों के पास में, अघोरी लोगों के पास में, तांत्रिक लोगों के पास में, जो उनका शोषण करता है। तो जागो हिंदू जागो, काले कपड़े मत पहनाओ, चाहे वो विवाहिता स्त्री हो या कुंवारी कन्या हो। और विशेष तौर से मंदिरों में जाते वक्त, पुलिया पे चढ़ते वक्त, तिराहे चौराहे पे खड़े होते वक्त काले कपड़े ना पहने। आधुनिकता है, और आधुनिकता को यदि ओढ़ोगे तो कष्ट अवश्य मिलेंगे। बस ये ज्ञान होने के बावजूद भी आप यदि अपनी लड़कियों को काले कपड़े पहनाते हो या स्त्रियां काले कपड़े पहनती है और बीमार पड़ती है। इसीलिए हमने लड़कियों को ऊपरी बाधा निकालना बंद कर दिया है कि भुगतो अपने कर्मों का फल। इसलिए हमने अब तंत्र को, कोई भी स्त्री हो, किसी भी उम्र की स्त्री हो, उनका तंत्र काटना अब हमने बंद कर दिया है। अब हम केवल ज्ञान दे रहे हैं। अब भी नहीं जागे तो आप अपनी करनी स्वयं भुगतोगे। तो काले कपड़े न पहने, और माता पिता अभिभावकों से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी घर की मां बहन बेटी बहू, इनसे प्रार्थना करें कि काले कपड़े न पहने, क्योंकि काले कपड़े नकारात्मक ऊर्जा की निशानी होती है, अब अपशकुन होता है, और नहीं उन्हें लाल उन्हें काले कपड़े खरीदने दे। और एक और मैं प्रार्थना करूंगा कि जब भी किसी भी स्त्री का विवाह हो रहा हो तो वो तारीख फिक्स करे जब उसकी मासिक धर्म की तारीख न आती हो, रजस्वला की तारीख न आती हो, अशुद्ध होने की तारीख न आती हो। क्योंकि अशुद्धता में यदि उस लड़की ने फेरे ले लिए हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद होगी ही होगी। वह जिंदगी भर दुख में रहेगी, कष्ट में रहेगी, परेशानी में रहेगी, उसमें उग्रता रहेगी, और वह अपने पति से हमेशा झगड़ती रहेगी और उसका घर बर्बाद हो जाएगा। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, आपको जागरूक करना। मैंने आपको जागरूक किया, मैं ये मान करके चल रहा हूं। मैंने अपने धर्म का निर्वाह किया, अब पालन करना आपके हाथ में है। अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। मां कामाख्या आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप नियम धर्म कानून परंपरा परिपाटी रीति रिवाज मान्यता के अनुसार चले। मां कामाख्या जगत जननी आद्य शक्ति भवानी कल्याणी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी सिंह वाहिनी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करे। ऐसी कामना हम मां कामाख्या जगत जननी से करते रहेंगे। आपके लिए एक मंत्र बोल देते हैं, मां कामाख्या से प्रार्थना का मंत्र है। कामख्ये वरदे देवी नीलभरतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। हम मां कामख्या से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की कामनाओं की पूर्ति वह करती रहे, परंतु आप सद रास्ते पर चलते रहें, सद विचारों को ग्रहण करते रहें, ऐसी कामना हम आपसे उम्मीद करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।